हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी आर जीनियस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का, ये सेकंड वीडियो है पहले चैप्टर का, जिसमें हम सीखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चे, और मैंने उसमें बताया था केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और मैंने बताया था केमिकल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्केलेटल और दूसरा होता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर अगर आपको दिखे तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो है, और बल्कि प्रोडक्ट साइड पे कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, तो ये अनबैलेंस है। ऐसी रिएक्शन को हम स्केलेटल कहते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज मैं ये वीडियो इस पर्पज से लेके आया हूँ कि आप किस तरह से किसी स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बदलेंगे। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जो मेरे बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है और इसी पे निर्धारित है। यानी और आपको जैसे कि पता है क्लास नाइन्थ में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चे क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कोई किसी भी वस्तु का मास यानी कि मैटर का मास ना तो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। सो इसीलिए मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि इन्वॉल्व होंगे केमिकल रिएक्शन में वो हमेशा सेम रहेंगे रिएक्टेंट की साइड में भी और प्रोडक्ट की साइड में भी। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन दिखाई हुई है, कार्बन जो जिसका मास होता है 12U और यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो 16 × 32U, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 2 × 2 = 4 = 3 = 44U रिएक्टेंट की साइड मेरा मास है, और प्रोडक्ट की साइड 12 प्लस में ओनली 16 क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है, तो 6 + 7 = 8 और 1 = 2 ओनली 28U मेरा मास है। तो यानी यहाँ पर मुझे एक ऑक्सीजन की कमी है इस साइड पर। सो इसको मैं बैलेंस करूँगा, और बैलेंस करने के लिए पहला तरीका जो मैं लेके आया हूँ वो होता है हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई मेथड क्या होता है बच्चे, इसमें आप किसी भी मैग्नीट्यूड को हिट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन और ट्राई करते हैं कि क्या मेरी ये जो इक्वेशन है बैलेंस हुई या नहीं। सबसे पहले आप इसमें देखते हैं मेटल को, देन आप देखते हैं नॉन मेटल को, और देन आप देखते हैं ऑक्सीजन को, और देन आप देखने वाले हैं हाइड्रोजन को। मतलब सबसे पहले आप मेटल बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल और फिर ऑक्सीजन और देन हाइड्रोजन। सो गाइस, मैं सबसे पहले बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई मेटल नहीं है, तो मेटल तो है ही नहीं, सबसे पहले है नॉन मेटल यानी जो कि मेरा कार्बन है। तो देखिए कार्बन इधर कितना है, एक यानी 12U, और इधर भी कितना है प्रोडक्ट साइड में 1 12, ठीक है, यानी कार्बन तो मेरा बैलेंस है। देन मैं क्या चेक करूँगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरा यहाँ 2 है यानी 32U, लेकिन यहाँ पर 1 है यानी ओनली 16U। सो मैं इसको बैलेंस करूँगा, तो बैलेंस के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूँगा, ठीक है, दिखा आपको। सो अब ये देखो मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब मेरा कार्बन इधर 1 है लेकिन इधर मेरा कार्बन 2 हो गया, तो मैं इधर वाले कार्बन को भी फिर से बैलेंस कर लेता हूँ, जैसे 2C प्लस में O2 प्लस में 2CO। अब देखिए मेरा कार्बन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और इधर भी कार्बन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, और आप इनके मासेस अगर चेक करें तो दोनों साइड क्या हो गए, बराबर। सो ऐसी इक्वेशन मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, और ये हमारा पहला मेथड होता है किसी भी स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब हम अगली इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, इसमें देखो हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस मिलकर बना रहे हैं H2O यानी लिक्विड यानी वाटर। सो हाइड्रोजन मेरा इस साइड 2 है, ऑक्सीजन भी मेरा 2 है, और इधर मेरा साइड हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम अपना वही मेथड लगाएंगे, हिट एंड ट्राई मेथड, और चेक करेंगे क्या ये बैलेंस है या नहीं है।
और जो जैसा कि हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई मेटल है इस रिएक्शन में, नहीं। नॉन मेटल है, नहीं। ऑक्सीजन है, यस। सो सबसे हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन मेरा कितना है, दो, और इधर ऑक्सीजन है मेरा एक, तो मैं इस वाले ऑक्सीजन पे लगा दूंगा टू। अब इधर भी मेरा ऑक्सीजन हो गया है दो, और इधर भी मेरा ऑक्सीजन हो गया है दो, तो अब मेरे दोनों ऑक्सीजन बैलेंस हैं। अब ऑक्सीजन के बाद मैं क्या चेक करूँगा कि मेरा हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। इधर बच्चे मेरा हाइड्रोजन है दो, अगर इसका मास देखूँ तो 2U हो जाएगा, लेकिन इधर मेरे हाइड्रोजन दो दुनी चार, चार हैं, यानी 4U है इसका मास, ठीक है सर। सो मैं, ये मेरी अनबैलेंस है, सो मुझे हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर लगा देता हूँ टू। तो जैसे कि आप देखो, हाइड्रोजन हो गया मेरा दो दुनी चार, इधर भी हो गया दो दुनी चार, और ऑक्सीजन मेरे अभी भी दो और दो हैं। सो ये इक्वेशन मेरी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अच्छा, लेकिन सर क्या मैं आपको बताऊं एक बात, कि जो ये हिट एंड ट्राई मेथड होता है ना बच्चे, हिट एंड ये जो ट्राई मेथड होता है, ये अब बोर्ड एग्ज़ाम में आप बार बार हिट करोगे, ट्राई करोगे कि बैलेंस हुई कि नहीं हुई। कभी कभी बच्चे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो जाने के कारण हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाती, सो हिट एंड ट्राई मेथड फेल हो जाता है। अब कितनी बार मैं देखूं कर करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो मैं इस मेथड को प्रिफर नहीं करता इसीलिए। हाँ, अगर जैसे देखो जैसे आम रिएक्शन है, जैसे कि ये बहुत ईजी रिएक्शन है, देख के हो जा रही है, सो इसमें मैं कोई कैलकुलेशन ना लगा कर हिट एंड ट्राई को प्रिफर कर देता हूँ। लेकिन थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स होने के बाद रिएक्शन हिट एंड ट्राई से होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अब मैं इसके लिए जो मेथड प्रीफर करने जा रहा हूँ, वो मेथड को बुलाते हैं हम ए बी सी डी मेथड। मैं इसे ए बी सी डी मेथड बुलाता हूँ, और मैं ही नहीं, मैक्सिमम लोग इसको यही बुलाते हैं। और ये क्या होता है, ये वाला मेथड बच्चे 100% आपका बैलेंस इक्वेशन देता है, 100%। और इसमें कोई भी आपको तुक्का भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, हिट और ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक कैरिकुलम फॉलो करना होगा, एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, और आपका आंसर आपके सामने एज इट इज़ आ जाएगा, और उससे हम कितनी भी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए इसको देखते हैं। सो ये मेरी तीसरी इक्वेशन है, NH3 प्लस में ऑक्सीजन के साथ NO प्लस में वाटर दे रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन तीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक और एक दो है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ तो मेरा नाइट्रोजन ख़राब हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मेरा रिएक्टेंट पे फिर ऑक्सीजन ख़राब हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये कैरिकुलम करता रहता हूँ तो हीट एंड ट्राई करते करते तो मेरा टाइम बीत जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। सो मैं प्रीफर करूँगा ABCD मेथड, जो कि मैं बात कर रहा था जैसे ही। सो हम इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसको ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे, पहले ग्रुप को देंगे ए, इस ग्रुप को बोलेंगे क्या हम ए, फिर हम इस ग्रुप को देखेंगे प्लस के बाद, इसको दे देंगे नाम बी, देन इम्प्लाइज का साइन है, इस ग्रुप को देंगे सी, देन प्लस में इसको डी, अगर कोई और होता तो ई एफ जी एच आई जे, आप कहीं तक भी जा सकते हो, ठीक। उसके बाद सबसे पहले ए ग्रुप का मेंबर है एन, इसको चेक करेंगे, यहाँ पर एन एक है और तो कोई एन नहीं है यहाँ पर, नहीं। अब इम्प्लाइज के साइन के बाद देखिए एन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी एक है, तो एन कौन से ग्रुप का है, ए ग्रुप का है, ठीक है। कितना है, एक बार है, तो एक बार लिख दिया मैंने ए, और उसके बाद एन तो यहाँ नहीं है रिएक्टेंट साइड में, देन इम्प्लाइज का साइन है तो मैं यहाँ लगाऊंगा इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं देखूंगा प्रोडक्ट की साइड में मेरा कितना एन है, एक, जो कि कौन से ग्रुप का है, सी, ये भी एक है सी, तो ए बराबर सी, ये इक्वेशन आ गई मेरी पहली। नाउ अब मैं ए ग्रुप में ही दूसरा एलिमेंट चेक करूँगा, कौन है, हाइड्रोजन,
बच्चों उसमें इक्वेशन कितनी बनने वाली है, जितने हमारे रिएक्टेंट की साइड में या प्रोडक्ट की साइड में जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन तीन, तीन ही एलिमेंट की रिएक्शन है तो इसमें तीन रिएक्शन बनेगी। इससे आपको ये पता रहेगा कि कितनी मेरे को इक्वेशंस बनानी है, सो मेरी रिएक्शन के अंदर पहली इक्वेशन एन की बन चुकी है। अब मैं देखूँगा ए ग्रुप का कौन मेम्बर है, एच, एच कितना है तीन, सो मैं लिखूँगा थ्री, एच ना लिख कर लिखूँगा थ्री ए, देन यहाँ पर तो कोई एच है नहीं, सो मैं यहाँ पे आ गया इम्प्लाइज का साइन यानी इक्वल टू का साइन, और इधर देखूँगा मैं एच कितने हैं, दो है, सो मैं इधर कौन से ग्रुप के हैं, डी, तो मैं टू डी लिखने वाला हूँ। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही अब ए ग्रुप तो ख़त्म हो गया, अब मैं बी ग्रुप की तरफ जाऊँगा, बी ग्रुप में एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन और कितने हैं दो, तो टू बी, अब तो आसान हो गया, इक्वल टू इधर कितना है, देखिए सी में भी एक ओ है तो मैं लिखूँगा सी एक, प्लस में डी में भी एक ओ है तो प्लस में एक डी, वन लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। सो गाइज इसमें आप एक बार लेट करेंगे, लेट करूँगा मैं ए बराबर वन, आप किसी को भी कर सकते हैं ए बी सी डी में, जिसको आप प्रीफर करना चाहें, लेकिन लेट एक ही बार करना है, ये ध्यान रखेंगे। मैंने ए को करा है, मैंने लेट करा ए बराबर वन, सो अकॉर्डिंग इक्वेशन टू वन, इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट मेरी है ए बराबर सी, ए की वैल्यू कितनी है मेरी वन, तो सी की भी वैल्यू कितनी हो गई वन, तो ए वन हो गया और सी भी मेरा कितना हो गया वन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड देखूँगा, इक्वेशन सेकंड में बच्चे थ्री ए, ए की वैल्यू कितनी है इनटू में वन, इक्वल टू में टू डी, थ्री बन जा थ्री, ये टू इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो थ्री बाय टू आ गई मेरी डी की वैल्यू, तो मेरे को ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, और अब मेरे पास ये मेरी डी की वैल्यू मिल गई कितनी थ्री बाय टू। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अपने बी की वैल्यू निकाल लूँगा थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन थर्ड मैं लगाऊँगा टू बी इजिकल टू में सी प्लस में डी, टू बी इजिकल टू में सी की वैल्यू वन प्लस में डी की वैल्यू थ्री बाय टू, अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, ये हो जाएगा टू, और फिर टू प्लस में थ्री एलसीएम लेने के बाद टू बी इजिकल टू में फाइव अपॉन में टू मल्टीप्लाई, और इधर आके आएगा मेरी बी की वैल्यू आ जाएगी बी इजिकल टू में फाइव अपॉन में फोर, आ गए बच्चे ये आ गए मेरी बी की वैल्यू फाइव अपॉन में फोर, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको लग रहा होगा हिड एंड ट्राई इजी है, लेकिन बच्चे अगर आप हिड एंड ट्राई में उलझे रहोगे तो बहुत टाइम खाएगा। हाँ एक बार आप ये कैरिकुलम सीख जाओ और आप प्रैक्टिस बना लो और ये चीज़ें आपको आगे अपने आप ले जाएंगी। सो बच्चे अब जैसे अब मैं इन सब की वैल्यू पुट कर दूंगा अपनी मेन इक्वेशन में, सो जल्दी जल्दी करते हैं। सो एन एस थ्री ए के बदले क्या रखूँगा वन, प्लस में बी के बदले क्या रखूँगा बच्चे फाइव बाय फोर ओ टू, और सी के बदले क्या रखूँगा बच्चे वन एन ओ, प्लस में डी के बदले क्या रखूँगा बच्चे फाइव बाय फोर, आई एम सॉरी बी के बदले फाइव बाय, डी के बदले मेरा थ्री बाय टू, आई एम सॉरी थ्री बाय टू एच टू ओ। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मुझे फ्रैक्शन में नहीं रखना कभी भी, तो मुझे फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए ये डिनोमिनेटर को ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर मेरे पास फोर है, अगर मैं इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा ये भी। सो देखिए फोर वन जा फोर एन एस थ्री आ गया, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो फोर से फोर ख़त्म हुआ बचा फाइव ओ टू, और फोर वन जा फोर एन ओ, और यहाँ पर टू से फोर कटेगा तो यहाँ बचेगा टू, टू थ्री जा सिक्स एच टू ओ। अगर आप ध्यान से देखें जो मेरी इक्वेशन आई है ये बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। देखिए अमोनिया इधर चार है, इधर भी सॉरी एन इधर चार है, नाइट्रोजन इधर भी चार है, हाइड्रोजन तीन चौक बारह, और इधर देखिए छः दुनी बारह, ठीक है, और ऑक्सीजन मेरा पाँच दुनी दस, और इधर देखिए चार और छः ऑक्सीजन कितना हो गया दस, ये मेरी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए हम नेक्स्ट करके देखते हैं, तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। अब मैं चाहूँगा आप लोग एक बार पोज करके खुद से ट्राई करें, चाहे हिट एंड ट्राई से करें चाहे ए बी सी डी से करें। सो कर लिया, सो चलिए अब मैं करता हूँ उसको अपने ए बी सी डी से। सो जैसे कि मैंने इसको दे दिया फिर से ए बी सी एंड डी,
अब ए ग्रुप में सबसे पहले एम जी कितना है 3, तो 3 ए, और इधर कितना है इक्वल टू में सी 1। एक बार चलिए मेरी इक्वेशन फर्स्ट, देन एन टू कितना है 2, तो 2 ए इज इक्वल टू में इधर एन कितना है 1, तो डी 1 कौन से ग्रुप का है, डी ग्रुप का। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, अब मेरा ए ग्रुप ख़त्म। बी ग्रुप में आएंगे, बी ग्रुप में सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, सो 2 बी इज इक्वल टू में इधर देखिए सी में है हाइड्रोजन, ये देखिए होल ट्वाइस है, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 है, सो 2 सी प्लस में, प्लस का साइन है तो प्लस, और हाइड्रोजन इधर कितना है 3, सो 3 कौन सा ग्रुप है, डी। ये हो गई मेरी कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे मेंबर कितने हैं, मैग्नीशियम एक एलिमेंट, एन टू दो एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 एलिमेंट, तो 4 इक्वेशन, 3 बन गई, अब चौथी रह गई। सो बी ग्रुप का ऑक्सीजन रह गया, सो बी बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन एक है, इक्वल टू में इधर ऑक्सीजन कितना है सी में 2, देखिए होल ट्वाइस पे है ना, तो 2 का 2 सी प्लस, और तो नहीं है तो प्लस साइन क्यों आएगा। ये बन गई मेरी फोर्थ इक्वेशन। अगेन मैं वही करूँगा, लेट कर लूँगा मेरा अपना ए बराबर 1, सो इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट करूँगा ए की वैल्यू, सो 3 इंटू में ए की वैल्यू 1 है बराबर में सी, तो कितनी आ गई मेरी सी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू आ गई मेरी 3। देन अब मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करूँगा, इक्वेशन सेकंड में पुट करूँगा, सो 2 इंटू में 1 इक्वल टू में डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 बन जा 2, मेरी डी की वैल्यू। देखो बहुत ईजी हो रहा है, देखिए अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बनेगी वैसे वैसे आपके आँख खुद तेज चलेंगे, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास सी है, अब मैं देखिए चाहे मैं थर्ड से निकालूं चाहे फोर्थ से, है ना, मेरे पास 3 आ चुका है, मैं थर्ड फोर्थ से निकाल लेता हूँ, इजी पड़ेगा। बी बराबर में 2 इंटू में सी की वैल्यू कितनी है 3 है, सो बी बराबर में 2 3 जा 6, देखिए कोई फ्रैक्शन नहीं आया, इजी। ए भी 1, सी भी पता है, डी भी पता है, बी भी पता है, बस पुट कर दो और अपनी इक्वेशन बैलेंस। सो ए के बदले क्या रखूँगा 1, 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं एम जी 3 एन 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में बी के बदले कितना है 6 एच टू ओ दे रहा है मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में एन एच 3, तो और सी की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 2। चलिए मैच करते हैं, इधर मैग्नीशियम मेरा 3 है, इधर भी 3 है, नाइट्रोजन मेरा 2 है, इधर भी 2 है, वेरी गुड, 6 2 6 2 नहीं 12 है, 6 2 12, हाइड्रोजन मेरे 12 हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए 3 2 6 और 3 2 6, यहाँ पर भी 12, वाओ, और ये मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 3 2 6, ये इक्वेशन भी मेरी बैलेंस हो गई। देखिए हिट ना ट्राई, सीधा आंसर, बस आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। अब एक और करते हैं, सो अब ये वाला करके देखेंगे एक बार, अमोनिया प्लस में क्लोरीन N2 गैस दे रहा है और NH4Cl दे रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस करके देखेंगे, पॉज करके कर लिया। अब मैं तो हमने लेट कर लिया वैसे ही अपना ग्रुप ए बी सी डी, और देखिए सबसे पहले ए ग्रुप का एन है, सो ए एक बार एन है तो ए इधर एन क्या है इक्वल टू 2 सी, क्योंकि 2 बार है तो 2 प्लस में, इधर डी में भी एन है तो प्लस में डी। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। देन ऐसे ही मेरे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 3A इक्वल टू में 4C, तो आई एम सॉरी 4D। नाउ थर्ड इक्वेशन में 2B इक्वल टू में Cl का है ये रहा D इक्वल टू में एक बार है तो D, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया वैसे ही अपना काम, लेट A इक्वल टू में 1 और मैंने वैल्यू पुट करी, D की वैल्यू आ गई 3/4, ये आ गई मेरी 3/4। देन ऐसे मैंने इक्वेशन थर्ड में पुट करा, B की वैल्यू आ गई 3/8, और देन मैंने फिर ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा और मेरी C की वैल्यू आ गई 1/8, इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैंने टाइम बचे इसलिए सॉल्व कर लिया जिससे हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। मैंने इसमें क्या कर दिया, मेरी ए बी और सी डी की वैल्यू पुट करी, और क्योंकि यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर था मेरा 8, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे मेरा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। सो जैसे 8 1 8, ए की वैल्यू हो गई 8, अब 8 से 8 ख़त्म हुआ 3 बचा, इस 8 से 8 ख़त्म हुआ 1 बचा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, और फिर मैंने 8 से 4 को
मल्टीप्लाई करा तो 4 1 4 4 2 2 बचा, 2 3 6 6 आप देख सकते हो ये मेरी इक्वेशन हो गई बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 8 है, इधर मेरा नाइट्रोजन कितना है 6 और प्लस में 2 8, और इधर हाइड्रोजन कितना है 3, और देन इधर कितना है 8 3 जा, एक मिनट, अरे यार। सो अब मैंने क्या करा, ए की वैल्यू पुट कर ली, बी की वैल्यू पुट कर ली, सी की और डी की पुट कर ली, ठीक है। और आपको देखिए डिनोमिनेटर में क्योंकि कैप 8 आ रहा है सबसे बड़ा, इधर 4 आ रहा है, तो मुझे इसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरा काम बन जाएगा, वही मैंने किया। सो 8 1 जाए 8, इधर से 8 ख़त्म हुआ, 3 आ गया, फिर ये 8 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इधर 8 ख़त्म हुआ, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर इससे करेंगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचा और 2 3 जा 6 आ गया। अब आप मैच कर सकते हैं, नाइट्रोजन इधर कितना है 8, इधर 2 और 6 8 इक्वल है, हाइड्रोजन कितना है 3 8 जा 24, इधर कितना है 6 4 जा 24, इधर भी इक्वल है, और क्लोरीन देखिए मेरा 3 2 जा 6, और इधर कितना है 6। ये इक्वेशन मेरी हो गई बैलेंस। हम नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे, अब चलिए ये वाला ट्राई करिए, कर लिया पॉज करके मैं करूं, ठीक है फटाफट से करेंगे इसको। मैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। अब ए ग्रुप में कॉपर कितनी बार है, फोर है, कार्बन कितनी बार है, 4 बार है। सो 4A इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सी कितनी बार है, 1 बार, तो 4A इक्वल टू में सी। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। देन हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, 10A इक्वल टू में हाइड्रोजन कितना है 2 बार है, सो 2D। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए ले लेता हूँ मैं 2B इक्वल टू में 2C प्लस में D। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन, मैं वही करूँगा फटाफट से, लेट कर लूँगा A इक्वल टू में 1, मेरा इक्वेशन फर्स्ट में डालूँगा मैं, सो 4 × 1 इक्वल टू में C, तो 4 आ गया मेरा C, C की वैल्यू आ गई 4, बहुत बढ़िया। चलिए इक्वेशन सेकंड में डालिए, 10 × A की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू में 2D, 10 / 2 कितना आ गया, D इक्वल टू में 5, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अपने C की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, D की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं 5, अब मैं निकालूँगा B की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से। सो 2B इक्वल टू में 2C प्लस में D, 2B इक्वल टू में 2 × C के बदले 4, D के बदले बच्चे 5, 4 × 2 = 8 प्लस 5, 2B इधर 8 5 कितना हो गया 13, तो 2B इक्वल टू में 13, और 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा इधर आके, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा इधर आके डिवाइड, सो मेरा B आ जाएगा कितना, B आ जाएगा मेरा 13/2। अब मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन को यहाँ पर बैलेंस करके लिखने की कोशिश करूँगा। सो A की वैल्यू हो गई है बच्चे मेरे पास क्या 1, तो मैं A की वैल्यू रखूँगा 1, C4H10, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी प्लस में B की वैल्यू कितनी है मेरी बच्चे, B की वैल्यू है मेरी 13/2, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो B की वैल्यू 13/2 है, तो 13/2 O2, फिर ये आ गया ऐसा साइन इम्प्लाइज दैट C का, C की वैल्यू है मेरे पास 4 बच्चे, CO2 प्लस में D की वैल्यू है मेरे पास ये रही 5, दिख रहा होगा आपको D H2O। अब इसमें क्या करूँगा मैं, ये डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, तो मैं इसको 2 से कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 2C4H10 प्लस में 13O2, ये हो जाएगा 4 × 8 CO2 और 5 × 10 5 × 2 = 10 H2O। ये हो गई मेरी इक्वेशन बैलेंस, चेक कर सकते हैं फटाफट। कार्बन इधर कितना है 4 × 2 = 8, इधर कितना है 8, वाओ। इधर हाइड्रोजन कितना है 10 × 2 = 20, इधर देखो 10 × 2 = 20, और इधर देखो ऑक्सीजन कितना है 13 × 26 13 × 2 = 26, और इधर देखो ज़रा 8 × 16, और इधर कितना है 10 हो गया ना 26U।
क्लियर बच्चे, मतलब 26, यू कह रहा हूँ 26 कितने ऑक्सीजन। ओके क्लियर है, क्लियर है, ये हो गई मेरी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट एक लास्ट करेंगे। सो चलिए बच्चों, मेरी 7th इक्वेशन को आप बैलेंस करके देखेंगे, एक बार पोस्ट करके खुद से ट्राई करो बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, चाहे आप हिडन ट्राई से करके देख लो और चाहे ABCD से ट्राई करके देख लो। इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। सो आप एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता सो मैं करता हूँ उसे, ठीक है। हो गया मैं करूँ, ठीक है। देखो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं आएगी, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको मैं खुद एक बार आपके सामने करके दिखा देता हूँ। मैंने वैसे ही ABCD ग्रुप बांट दिए हैं, ठीक है। अब मेरा सल्फर एक है, ए ग्रुप में एक ही सल्फर है, तो ए इज इक्वल टू में सल्फर इधर कितना है, सी की ग्रुप में एक ही है, तो इक्वल टू में C1, ठीक है। बी की तरफ अब मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन को ले लूँगा, बी इज इक्वल टू में 2C प्लस में, देखो ये डी ई भी है इसमें, ABCDE भी है, H2O, ध्यान से देखिए। सो मेरे पास हो गया बी इज इक्वल टू में 2C और प्लस में 2E, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। थर्ड हो जाएगी बी इज इक्वल टू में, एन के लिए लूँगा, बी इज इक्वल टू में डी, थर्ड इक्वेशन। और अब मैं लूँगा अपनी फोर्थ, 3B इक्वल टू में 4C प्लस में 2D प्लस में E। अच्छा बच्चे अब ये ध्यान से देखो, ये चारों इक्वेशन में अगर मैं A को 1 लेट करता हूँ तो मेरा काम नहीं बनेगा, वो यहीं पे रुक जाएगा इक्वेशन फर्स्ट पे। सो इस बार मुझे कुछ अच्छा लेट करना पड़ेगा, क्यों ना मैं B को कर लूँ। देखो B इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना, काम हो सकता है। सो मैंने क्या करा, इस बार मैंने लेट कर लिया बी इज इक्वल टू में 1। आप भी कर सकते हो किसी को भी अकॉर्डिंग टू, चाहे बाकी क्वेश्चंस में करके देख लो, होगा वो वैसे ही, ठीक है। मैंने बी को 1 लेट करा। सो मैंने इक्वेशन थर्ड देखी, सो मेरे पास बी की वैल्यू हो गई 1, सो मेरे बी इज इक्वल टू में डी है, तो डी की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। आपको लग रहा होगा सर आप तो कह रहे थे थोड़ा कठिन होने वाला है, लेकिन हुआ तो नहीं, चलो कोई नहीं। अब देखो दिखाता हूँ कैसे कठिन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ, ठीक है, तो B और D तो पता है, C नहीं पता, E नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे हम। B तो डाल दूंगा, C और E नहीं निकाल सकता, A नहीं पता, C नहीं पता, तो भी काम नहीं बनेगा। फोर्थ में देखो B और D भी डाल दूं तो C और E की इक्वेशन फिर बन जाएगी। तो सर ये तो हो गया है कॉम्प्लेक्स, सो हम क्या करेंगे इसमें, कोई बात नहीं कॉम्प्लेक्स रहने दो। मैं इक्वेशन सेकेंड वाली, ये इसमें मैंने ली थी कौन सी, थर्ड इक्वेशन ली थी, अब मैं इसमें इक्वेशन सेकेंड लूँगा, बी इज इक्वल टू में 2C प्लस में 2E, इसमें B की वैल्यू डालो बच्चे, 1 इज इक्वल टू में 2C प्लस में क्या हो गया 2E। इसको मैं बना देता हूँ बॉक्स, ध्यान रखना ये बॉक्स वाली इक्वेशन। अच्छा अब मैं करता हूँ फोर्थ इक्वेशन अपनी, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसमें करने वाला हूँ अपनी इक्वेशन में 3B इज इक्वल टू में 4C प्लस में, देखो ये है ना, 4C प्लस में 2D प्लस में E, 2D प्लस में E। अब मैं इसमें B की वैल्यू डालूंगा तो 1, तो 3 बन जा 3, 4C D की वैल्यू 1 है तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस में E, ये 2 उधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो आ जाएगा 3 में से 2 गए 1 इज इक्वल टू में 4C प्लस में E। अब इसको भी बना देता हूँ मैं बॉक्स। अब ये दो बॉक्स वाली इक्वेशन देखो, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो गई है। बच्चों अगर आपने क्लास 10th में हो और आपने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, थर्ड चैप्टर अपना पढ़ लिया है, सो आपने उसमें एलिमिनेशन मेथड ज़रूर पढ़ा होगा। हाँ, मैं वही करने वाला हूँ। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो लेकिन मैं एलिमिनेशन प्रीफर करूँगा, समझ गए होंगे अगर समझदार बच्चे हैं तो, ठीक है। चलो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली जिसको नहीं पता वो भी मत कराओ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मैं सी को ख़त्म कर दूँ चाहे मैं ई को। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सी को ख़त्म करूँगा, तो ये जो मेरी इक्वेशन ये है सेकंड वाली, इसमें से मैं माइनस कर दूँगा ये वाली, एलिमिनेट करूँगा,
तो क्या करूँगा, वन इज इक्वल टू में टू सी प्लस में टू ई, ठीक है, इसको पहले मैं माइनस करूँगा किसके साथ, वन इज इक्वल टू में फोर सी, ठीक है, प्लस में ई, माइनस करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन देखो मुझे एलिमिनेट करना है, तो इस तरह से एलिमिनेट करना है कि पूरा सी ख़त्म हो जाए, इधर फोर सी है इधर टू सी है, इसको बनाना पड़ेगा मुझे फोर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा टू से। अब जैसे मैं टू से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ज़रा देखो ये क्या हो जाएगा, टू वन जा टू, ये क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, और ये भी क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, हो गया ना कम, फोर सी प्लस माइनस कैंसल, टू में से वन गया वन, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, फोर में से एक ही गया, क्या बचा थ्री ई। अब ज़रा ध्यान से देखो ई की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय थ्री आ गई है, वन बाय थ्री आ गई है। अच्छा अब मेरे पास किस किस की वैल्यू आ चुकी है, बी की, डी की और ई की भी आ गई है। अब जैसे कि मेरी ई की वैल्यू आ गई है, अब मैं इस ई की वैल्यू को चाहे इस वाली इक्वेशन में धर दूँ और चाहे इस वाली इक्वेशन में धर दूँ, मेरा काम हो जाएगा सी मिल जाएगा, और जो मेरा सी होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट वही मेरा ए हो जाएगा। तो देखिए मैंने e की वैल्यू पुट कर दी है और ये देखो c आ गया 1/6, फिर मैंने इक्वेशन फर्स्ट में a पुट करा, c पुट करा और क्या आ गया मेरा a। अब मैंने क्या करा, इसी को इस इक्वेशन में डाला, सो आप देख रहे हो फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन के लिए मेरे को डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, जैसे कि आप लोगों को पता है 6 ख़त्म करने के लिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये मेरी इक्वेशन आ गई, बैलेंस हो गई। देखो इसमें क्या है कि आपको चेक भी नहीं करना कि बैलेंस है कि नहीं, अगर आपने ABCD मेथड करेक्ट लगाया सो ऑटोमेटिक वो इक्वेशन बैलेंस होके ही मिलेगी, इसमें ना तो कोई हिट एंड ट्राई मेथड की आपको ज़रूरत है। सो मैं इसको 100% इसी को प्रीफर करूँगा, और आज के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और ये होमवर्क आपको मैंने दे दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, 7 क्वेश्चन है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ इसमें से आप लोगों ने कौन से मेथड से कौन सा करा, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप डायरेक्ट करके सकते हो देख कर ही, और कुछ क्वेश्चन में आप फंसोगे वहाँ आप लगाओगे अपना बेस्ट मैथड जिसको हम क्या बोलते हैं ABCD मैथड। सो आज हमने 7 क्वेश्चन ट्राई करे हैं और 7 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, इनफ है बच्चे, इसके अलावा आप अपने बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन।